लीजिए ना कटियार भैया, कितना लीजिएगा? 60 रुपये। पता तो कीजिए कहाँ जा रहे हैं, ट्रेन में तो बैठे हैं, खोने के लिए जा रहे हैं वादियों में। गुवाहाटी तुम क्या सुने आया होटल में? उठो उठो ना रे, उठो ना, उठो उठो तू काम बिगाड़ रहा है। बरसा हो रहा है ना, देखिएगा वहाँ मंदिर में कम भीड़ होगा। ऐसा मत सोचो, सुने होता है। क्यों? वैसे जाएगा यहाँ पे 24 घंटा भीड़ रहेगा। 24 घंटा भीड़ रहा। माँ कामाख्या देवी मंदिर, शक्ति की देवी माँ सती का मंदिर है, जो गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष से अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया था यज्ञ कुंड में, तब महादेव शंकर उनके वियोग में उनके मृत देह को लेकर तांडव करने लगे, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड में पड़ने की स्थिति बन गई थी। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे, जो कि भारतीय महाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर जा गिरा। माता सती के शरीर के जितने भावों का खंडन हुआ, उतने ही शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसे में गर्भाशय योनि भाग गुवाहाटी के इस पावन स्थल पर अवतरित हुआ। जी हाँ, वही योनि जिससे कि हम आप और समस्त सृष्टि का जन्म हुआ है, और तब से यह जगह माँ कामाख्या देवी मंदिर से सुप्रसिद्ध है, जो कि 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली पीठ है। कामाख्या मंदिर अघोरी और तंत्र विद्या के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। आप यकीन मानिए, यहाँ के अघोरी इंसान की काया तक पलट सकते हैं। ऐसी भी कहानियाँ प्रचलित थी कि यहाँ के तांत्रिक इंसान को कबूतर तक बना देते थे। शायद इसलिए भी लोग यहाँ जाने से कतराते थे, डरते थे, है ना, थोड़ी अजीब सी बात। बहरहाल, हम और हमारा चेतना जीवन के जिस आयाम में जीते हैं, वह हर चीज़ को देख करके विश्वास होती है ना। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होती है जो इन सबसे बड़े है, जिसका जवाब अधूरा है या फिर एक रहस्य है। इसे हम आस्था, शक्ति या भक्ति कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में हम क्वांटम लेवल पे इसे सोच सकते हैं, जिसमें कि ब्रह्मांड की हर एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जीज होती है, और इसे हम बस उस स्थान पर जा कर के ही महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे एक स्थान है माँ कामाख्या शक्तिपीठ। आप आइए कभी और माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाइए। पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म के दौरान स्त्री को अछूत समझा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें रसोई, मंदिर इत्यादि में प्रवेश तक वर्जित है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ माता को स्वयं रजस्वला होती है और 3 दिन तक मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। यह माता का चमत्कार ही है कि पास में बहती ब्रह्मपुत्रा नदी का रंग भी रक्त से लाल हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही नहीं, इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर कहा गया है। मेरे दर्शकों से दरख्वास्त है कि जीवन काल में कभी भी आपको मौका मिले तो माँ कामाख्या मंदिर का दर्शन अवश्य करें। यकीन मानिए, मांगी गई हर एक मुराद आपकी पूरी होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः।
एक क्रूज शिप है, जैसे कि हम लोग उमानंदा टेम्पल जा रहे हैं। ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच बसा हुआ एक आइलैंड है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप माँ कामाख्या का मंदिर घूमने के बाद अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो आपका तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप वहाँ घूम ना ले। तो इसीलिए हमने टिकट ले लिया है। ये जहाज के अंदर का सीन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ हमने सीट रिजर्व कर लिया है माता का चुनरी से। आप ये देखिए, लाइफ जैकेट है, अगर इनकेस इमरजेंसी या जहाज डूब जाती है, भगवान न करे, तो ये लाइफ जैकेट है लोगों को बचाने के लिए। आप शिप के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। ये शिप का मैकेनिकल रूम है जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि मेरे समझ से बाहर की चीज़ें हैं। टॉयलेट है यहाँ पे, आप देखिए। और ये सामने बालकनी है जहाँ से आप, हमारे दोस्त भी हैं, हाथ हिला दो। कैसा लग रहा है तुमको इस जहाज पे आकर के? काफी टाइटेनिक वाला फील आ रहा है ना। ब्रह्मपुत्रा नदी विशाल, और वो आप टापू देखिए, वहीं पे उमानंदा महादेव बाबा का मंदिर है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, नमन भैया हमारे बनारस के क्रूज शिप पे ही मिल गए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा से हमसे बातें की और उनसे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें बनारस भी इनवाइट किया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि शुभम भाई ने ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। थैंक यू भैया। एक दूसरे का फोटो। हर हर महादेव। अभी हम लोग आ चुके हैं उमानंदा टेम्पल, महादेव बाबा का टेम्पल है जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के एकदम बीचों बीच एक टापू है, चट्टान की टापू है, वहाँ पे बसा हुआ है। आप देखिए ये नज़ारा है ना। रघु नीतीश तो शायद जा चुका है नीचे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ पे तपस्या में लीन थे। आपको वो कहानी याद होगा कि भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरी नेत्र से भस्म कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है, गुवाहाटी असम में है, और आप लोग अभी आइए, ठीक है। और ये एक छोटा सा ऐसा चट्टान है जो कि दुनिया का सबसे छोटा आप आइलैंड कह सकते हैं, जो कि रॉक का बना हुआ। जी है ना, इंटरेस्टिंग बात। तो आप आइए, देखने की जगह है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो श्री उमानंद महाराज की जय। महादेव उमानंद की असीम आनंद में सरोवर होकर अब हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। रास्ते में मुझे एक बेहद दिलचस्प चीज नजर आई जो यहाँ की सरकार की समझदारी को दर्शाता है। दरअसल पुराने पड़े पनिया जहाज को रेस्टोरेंट, क्लब और पिकनिक स्पॉट में तब्दील कर दिया गया है, जो यहाँ की घरेलू अर्थव्यवस्था में समृद्धि ला रही है। आगे बढ़ते हमें रास्ते में न्याय का मंदिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय मिल गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट भारत का सबसे प्रमुख और भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है जो पूर्वोत्तर के 5 राज्यों के जुडिशियरी को कवर करता है, असम, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। यहाँ कर मैं जितना खुश था उससे कई गुना रोमांचित एक और शख्स था। दिस मैन हैविंग अ ब्रॉड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विजिटिंग हियर इज लाइक अ विजिट ऑफ टेम्पल फॉर हिम। इवन दिस मैन वॉज अबाउट टू फाइल पिटीशन रिगार्डिंग वेरियस सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड स्टार्टिंग इवन लुकिंग फॉर एडवोकेट एंड जजेस। मैं बोला, भाई भी रुक जा, सांस तो ले, फिलहाल गुवाहाटी घूम लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। और फिर हम लोग निकल पड़े असम स्टेट म्यूजियम की ओर। आखिरकार बहुत लंबे भाग दौड़ के बाद आ ही गए असम स्टेट म्यूजियम। इस भाग्यवान ने हमें बौरा दिया था, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे थे। गूगल मैप भी गलत दिखा रहा था ना, बस वाले ने भी गलत बताया। लेकिन आखिरकार इस भगवान की वजह से यहाँ लड़ झगड़ के जूझ कर चलिए। दोस्तों, ये हो गया हमारे पास असम स्टेट म्यूजियम का पास। ये 3 पास है और 1 पास है मोबाइल फोटोग्राफी। ये मोबाइल फोटोग्राफी।
बार जो हुआ था जब जापान के जो सैनिक थे वो उसको पहनते थे क्योंकि वहाँ एटॉमिक धमाका हुआ था, उससे बचने के लिए कॉस्ट्यूम। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये आपको स्टैंड गन तो नीचे में है लेकिन वो है आपको जापानीज बम है। जब गोला बारूद का आविष्कार नहीं हुआ था दोस्तों तो इसी पत्थर से दुश्मनों पर हमला किया जाता था, क्या यही बात है ना? मॉडल ऑफ टूल मेकर्स ऑफ स्टोन एज, पाषाण काल की बात चल रही है। ये जो आप बचपन से किताबों में पढ़ते होंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सिविलाइजेशन, उसी का एक नया मॉडल तैयार किया गया है, प्रोटोटाइप है एक तरीके का। और कितना बेहतरीन आपका कैनाल सिस्टम है, आप देख सकते हैं वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, सीढ़ी का देखो कितना मस्त तरीके से डिजाइन किया गया है। और आप देखोगे भगवान बुद्ध का फेस कुछ अलग होता है, हमारे बिहार के गया में उनका जो फेस है वो अलग है और नॉर्थ ईस्ट में जो आते हैं भगवान बुद्ध एक अलग टाइप का इनका देखिए बनावट है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जैसा लोग होता है ना तो उस टाइप का, तो अलग अलग कल्चर अलग अलग लोकेशन की वजह से भगवान गौतम बुद्ध का फेस का प्रोटोटाइप भी अलग अलग हो रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी यूनिकनेस है यहाँ पे लगे मुझे। बाकी भगवान विष्णु देखिए आपके सामने ये जो है हमारे असम के जो डायनेस्टी थी अहोम डायनेस्टी, उनके जो राजा होते थे उनका कॉस्ट्यूम है ये। और आप लोगों को पता ही होगा कि अहोम साम्राज्य को कभी मुगल से हरा नहीं पाए थे। उनका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चरखा के थ्रू हो रहा है और यहाँ पे सिल्क बन रहा है और फिर सिल्क से यहाँ पे कपड़ा बन रहा है। देखिए हाँ मूरा सिल्क के बारे में दिया हुआ है। दिस इज द साइन ऑफ शिवा विच इज एंशियंट फॉर्म ऑफ शिवलिंग एंड हियर इट इज शिवलिंग, लुक एट हियर, सच अ सच अ ग्रेट शिवलिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिस इज नंदी, ये देखते दोस्तों नंदी है और इनके अपोजिट में है ज्ञान वापिस शिवलिंग। जो एंसेंट सीड्स हैं वो रखे गए हैं, देख सकते हैं बहुत सारे क्रॉप्स के जो आपको इंडिजिनस वैरायटीज के जो सीड्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। टिलेज डिवाइस ठीक है, जो आपने टिलेज सिंपल टिलेज करने के लिए नहीं, जो आपको प्राइमरी टिलेज करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वही आपने पढ़ा हुआ वही है। और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं इस चीज़ को अच्छे से फील कर पा रहे होंगे कि गांव में जो किचन हुआ करता तो मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी का बर्तन, मजा आ गया। आप यहां देख सकते हैं जहां पे जो वैल्यूबल चीज़ जैसे सोना गहना वगैरह हुआ इसमें रखा था। देखिए यहां पे छोटा सा ना मिरर भी रहता है सजने संवरने के लिए। गुवाहाटी से बेहतरीन सुबह आप सभी को। और अभी हम लोग वशिष्ठ आश्रम जा रहे हैं, ये वही वशिष्ठ आश्रम है जो भगवान श्री राम को प्रारंभिक शिक्षा दिए थे जैसा कि आपने रामायण में देखा था। तो अभी हम लोग गुवाहाटी के वशिष्ठ एक जगह का नाम है और यहीं पे उनका आश्रम है, पहाड़ों के बीचों बीच में है। और चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे वशिष्ठ आश्रम। कितना? 10 रुपये। कितना दूर है यहाँ से? आधा किलोमीटर। अच्छा ठीक, नहीं तो बारिश हो रहा है ना, बारिश के कारण चलना पड़ेगा। आप लोग बने रहिएगा है ना हमारे साथ, हम तीनों बंदर हैं यहाँ पे। गुवाहाटी से लगभग 16 किलोमीटर दूर संध्याचल पर्वत की गोद में स्थित वशिष्ठ आश्रम अपने आप में दोस्तों एक अनूठी जगह है। मान्यता है कि भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर की स्थापना वैदिक काल में महर्षि वशिष्ठ ने की थी। ऋषि ने आश्रम का निर्माण किया और बाद में उन्होंने अंतिम सांसें ली यहीं पर। इस जगह का मंत्र मुग्ध कर देने वाला माहौल और अनूठी वास्तुकला देखने लायक है। दो नदियां वशिष्ठ और वाहिनी नदी का संगम स्थल है जो आगे चलकर गुवाहाटी नगर की ओर जाती है। ऋषि वशिष्ठ एक महान सप्त ऋषि में से एक थे। महर्षि वशिष्ठ सातवें और अंतिम ऋषि थे, वे श्री राम के गुरु भी थे तथा सूर्य वंश के राज पुरोहित भी थे। ठीक कर देते हैं।
अब एकदम सुहागिन लग रहा है। डेल्टा टी ट्रेडर्स और यहाँ हम गुवाहाटी के स्टेशन चौक से जस्ट सामने में ही है। यहाँ पर आंटी की दुकान में आए हैं हम लोग, आसाम का जो फेमस टी है ये लेने के लिए। अभी नीतीश बाबू ले रहे हैं, बहुत प्यार से हम लोग को यहाँ का चाय अपने हाथों से दिया पैक करके। थैंक यू आंटी जी, है ना। ये किस सिल का बना है? मुगा सिल्क का, आसाम का फेमस है दोस्तों। यहाँ का मुगा सिल्क जो कि यहाँ का फेमस है आसाम का, हम ले जा रहे हैं अपने। ओ अंटा आ वा वा, अंटा आ आ ओ। सारा पैसा खत्म हो गया, पार्ले जी बिस्कुट खाना पड़ रहा है पानी में डूबो। समझ सकते क्या स्थिति है। जब फल खाते हैं ना, दूर दूर से लोग केवल देखने आता है कितना चाव से खा रही है। इधर देखो कोई इफेक्ट नहीं। जब करेला को खा जाती है पीस के, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा, तब कौन ला के दिया? पापा ला के दिया ना। इसको पता है कि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। फ्रूट लगाओ।